सो कैसे हो सब लोग। सो मोस्ट वेलकम इन प्रोफेसर ट्रेडिंग। सो आज बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं और हमारा जो हमारी मैपिंग है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा इसमें। सबसे पहली चीज़ तो जो मेरे को अभी तक मेरे टीचर ने सिखाया है, सबसे पहली चीज़ तो जब भी मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, ये हमारी कल की है कि मार्केट ऊपर क्लोज होगी या नीचे डाउन होगी, उसका तो मैं एनालिसिस आपको नहीं दूंगा सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। जैसे 9:15 पे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या उसके ऊपर ओपन होती है, ठीक है। तो उसमें पहले, सबसे पहले तो हमारा क्या चीज़ है कि हम कि पहले इन्वेस्टर का मूड देखें कि उन्होंने हायर ब्रेक किया है कि नीचे आई है। वो सबसे मेन चीज़ तो पहले तो वो है। उसके बाद हमारी जो मैपिंग क्या कहती है, उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो ऐसे नहीं कि पहले दिन ट्रेड लेके बैठ के, नहीं, मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है। जो मेरे को भी मैंने अभी तक सीखा वो सही नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली जो एक्सपायरी लेते हैं, ठीक है, कि वो लेके बैठ के, पुट की लेके बैठ के क्यों बैठे हो। तो सबसे पहले जी उसका रीजन होना चाहिए आपके पास। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। क्या है, क्या मार्केट किस डिमांड से जा रही है, किस कहाँ से है, क्या नहीं है, बहुत काफ़ी कुछ होता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करो कि 9:15 पे जब भी मार्केट ओपन होती है, उसके बाद अपने प्लान चालू कर लो कि मार्केट कहाँ पे डिमांड पे है, सप्लाई पे है, तो हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ठीक। अब मार्केट यहाँ पे है तो जहाँ तक उम्मीद है कि मार्केट एक न्यू हायर हाई लगाए। वो देखो बाद में पता लगेगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, यहाँ पे ओपन होगी तो इसको तोड़ देगी, यहाँ पे ओपन होगी तब इसको तोड़ देगी, तोड़ना ही है उसने वो। ये वाला जो एरिया, ये ब्रेक होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं तो कल ये ब्रेक होना है, ठीक है। कल ब्रेक हो जाएगा, कल ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो परसों ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जहां तक, लेकिन अब खुलेंगे कल ओपन होगी तो फिर आप उसके बारे में, मैं 9:15 पे देख लेंगे या फिर 9:30 पे मैं आपको बता दूंगा एक बार चेक करके कि मार्केट ने क्या किया है क्या नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 9:15 पे ही हम एक बार बैठ लें और देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो उसमें देख लेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे ओपन नहीं हुए, फिर मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा कि आपने बाइंग करना है कि सेल करना है। सबसे पहली चीज़ तो वो, आप उसके लिए फिर अपने, मैं आपको बता दूंगा कि आपने यहाँ पे अगर सेल करना है तो क्यों सेल करना है, कैसे सेल करना है, क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी सेलिंग की हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये रीज़न है भाई। तो आप इसके बारे में कल डिस्कस कर लेते हैं 9:15 पे या 9:30 बजे, ठीक है। या फिर एक काम कर लूँगा मैं, हो सकता है आपको जूम की लिंक भेज दूँ, जो जो इंटरेस्टेड है जूम की लिंक भेज दूंगा मैं आपको, अप्लाई मार्केट में हम देख लेंगे इसको क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, किसी और में कोई सुजेशन देना है कि सर उसके बारे में कोई मैपिंग बता दो हमें कि क्या करना है क्या नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई। तो फिर उसी हिसाब से आप प्लान कर लेंगे अपना कि हमें कल जूम की मीटिंग करनी है नहीं करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कुछ मेंबर जो आप करते हो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो फिर तो मैं इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप अपनी बाइनरी पे और फोरेक्स पे जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं भाई। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि देखो, जरूरी नहीं कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होगी तो फिर भी इसको ब्रेक कर देगी वो, ठीक है। यहीं पर डायरेक्टली भी बाहर भी ओपन हो सकती है वो, तो बाहर भी ओपन हो सकती है भाई, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिमांड से जा रही है और मार्केट में ये अपना एक न्यू हायर हाई के लिए जा सकते थे अपन नीचे से भी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिमांड से जा रही थी और ये बीओस बना रखा मार्केट ने, ये बीओस बना रखा है, तो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे डिमांड दे रखी है हमें, एक डिमांड ये दे रखी है, एक डिमांड हमें ये दे रखी है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे थी, तो हम यहाँ पे सेल क्यों करना चाहिए था वो कल एक बार लाइव मार्केट जब ओपन होगी फिर मैं आपको बता दूंगा एक बार देख के कि क्यों हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए था, क्यों यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मार्केट का मूव होगा वो इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है भाई, उसके लिए काफ़ी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं नहीं बता सकता कि ना मेरे पास उस चीज़ का वो डाटा है। मैं रियलिटी बोलूँ तो जो चीज़ मैं नहीं बता सकता उसकी, मैं उसमें बहुत नॉलेज लगती है, बहुत टाइम मिले, टाइम पूरा खपता है इसके अंदर, वो तो जाता, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि हमें या ओपन होगी या नीचे होगी, कोई वो नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर कल करते हैं बात भाई। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं भाई 9:15 AM पे, तो जूम लिंक के साथ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। थैंक यू सो मच।